समझ गया डॉक्टर, इलाज में घास के तिनके बराबर भी कमी नहीं होनी चाहिए और बच्चे का खास ख्याल रखना। और सुन, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वो पैसा मैंने रखवाया है। सबको यही लगना चाहिए कि वो पैसा छोरी के आदमी ऋषि कुमार ने दिया है। लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर सामने क्यों नहीं आते सर? और फिर मैं ऋषि कुमार को क्या जवाब दूंगा जब वो मुझसे पूछेंगे कि अगर पैसे उसने जमा नहीं कराए तो फिर किसने कराए? एक बात बता मने, डॉक्टर तू है कि मैं हूं? जी वो तो मैं हूं, लेकिन तो फिर समझदारी वाली बात कौन करेगा? एक मिनट डॉक्टर, मेरी बेटी का फोन आया था, मुझे उसने बताया कि मेरी वाइफ का जो ऑपरेशन है उसका जो बैलेंस अमाउंट था वो किसी ने डिपॉजिट कराया। कौन है वो? जी वो, अरे बोलिए ना डॉक्टर, किसने डिपॉजिट किया है? जी वो दीदी ठीक हो गई। बिल्कुल साइड बैठना यार। मम्मी कमाल की खबर लेके आई, छोटी सी बच्ची। देख मैं मंदिर मंदिर जाता नहीं हूँ वैसे, पर 100 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा मैं इंदिरा के नाम का। 5 रुपए का सिक्का ले लूं। क्या पुलिस वाला, 5 रुपए? और छोटे कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया तुमने। इंदिरा ठीक है और बच्चा भी एकदम ठीक है भाई। हीरो है तू यार, इतनी जल्दी कैसे इंतजाम कर दिए तो सारे पैसों का तूने? हीरो है भाई, उठा लो हीरो को। संभाल के रखो आप यार। वो इतनी जल्दी पैसे जमा कर दिए ना तूने तो एक्साइटमेंट होगी इसको। तो एक्साइटमेंट पे कंट्रोल लगाओ इसकी। और आप, पप्पी नहीं हूँ मैं, ऋषि हूँ जो बार बार पप्पी लिए जा रहे थे मेरी। हीरो है तू यार। पर मैंने तो अपने पापा ऋषि कुमार को ही पप्पी दी है। मैं डर गई थी कि आप इतने जल्दी इतना सब कैसे करोगे, पर आपने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। आप सच में मेरे हीरो। खुश हो जा भाई, तू साइड में हो यार। नर्स वो अंदर जो पेशेंट है मेरी वाइफ है, मिल सकता हूँ क्या? जी हाँ आप उनसे मिल सकते। Thank you.
श्रीमती जी, हमारा चीकू सो रहा है। ओए, सोने से पहले पापा की बात सुन ध्यान से। देख बेबी, अपनी अपनी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान मत करना। आपकी मम्मा ना ममता के लिए बहुत तरसी, तो और मत तरसाना तुम, हाँ? ढेर सारा प्यार देना अपनी मम्मा को। और हाँ, अगर अपने पापा का बेटा है ना, तो अपने पापा की तरह हमेशा अपनी मम्मी को हंसाते रहना। श्रीमती जी, सारे दुख एक तरफ और आपका साथ एक तरफ, सारे गिले शिकवे मिटाकर ना जिंदगी भर आपका साथ दूंगा। आपकी और हमारे होने वाले बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन पता नहीं बदले में कौन सी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हम लोगों को। घड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे जैसा पार्की कहाँ मिलता है ताऊ, पर तो दिल्ली आता ही नहीं। अब आया है तो हमारी जर्सी गाय की डील पक्की कर दे जाए। पूरी 500 है, मुनाफा ही मुनाफा है ताऊ। ताऊ के सौदे में मुनाफा ही होवे है छोरे, नुकसान की तो भाषा ताऊ जाने ना। और आज जो दाव खेल कर आया है ताऊ, वो अगर सही लग गया तो मुनाफा ही मुनाफा है। तो सौदा पक्का ताऊ? क्या पक्का, कच्चा बोले छोरे। अरे आज ताऊ वाह खुश है। बहुत खुश है। कई सालों बाद ताऊ की जिंदगी में खुशी ने दस्तक दी है। सौदा पक्का कर ले और जो दाम तूने मांगा है उसका दुगना तुम्हारे वास्ते। दुगना? वाह ताऊ वाह, खुश कर दिया तूने। हाथ जोड़ कर नमस्ते करना सीख ले छोरे। और बता, तेरी लुगाई और धारा बच्चा ठीक है ना? क्यों किया आपने सब? आखिर चाहते क्या हैं आप? मैं क्या चाहता हूं? थारी जोरू। सुन छोरे, तारी लुगाई और तारे बच्चे की मैंने जान बचाई, मैंने। और तू तो जाने बिना मतलब के ताऊ कुछ ना करे, इसलिए मैंने तो अपना काम कर लिया। अब थारी बारी है, सुन रहा है ना? तो बता, मदद करने के लिए तैयार है हमारी? कैसी मदद? आ बैठ जाओ।
सुन मेरी बात। वो इंद्रा वो ठीक होकर वापस आ गई है। मुझे कहीं छुपा ले, कहीं भी छुपा ले तुझे, वो मार डालेगी मुझे। पूरी दिल्ली में भगा भगा कर मुझे मार डालेगी, मेरी मेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलेगी, मेरी मेरी खाल में भूसा भर के चांदनी चौक में लटका देगी और नीचे लिख देगी, ऐसे बाप को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारा चुप बुढ़े, डर के मारे सटिया गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मार डालेगी वो मुझे। इससे पहले कि वो मुझे मार डाले मैं भाग जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे मारेगी वो? जंगल राज है क्या? नहीं, हिटलर राज है, हिटलर राज है, वो मार डालेगी। एक मिनट इंद्रा ऋषि कुमार, तुम और चीकू इतनी मुसीबत से लड़कर सही सलामत घर में आए हो, आरती तो उतारने दो। मेरे बहादुर चीकू बेबी, भगवान करे कि तुम पर कभी कोई मुसीबत ना आए, और अगर आए भी तो ऐसे ही लड़ना, फिर सारी मुसीबत चले जाएगी, समझा मिस्टर चीकू ऋषि कुमार? चल एक मिनट रुक जा। ये मुझे हिम्मत देने के लिए और हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखने के लिए। कितनी बड़ी हो गई ना हमारी बच्ची, और समझदार भी। सब सेट हो गया यार, एकदम फिट पार्ट। अब ना ये लड़ाई झगड़े बंद कर दो और लव शव करो यार, लव शव यार। वो क्या गाना है वो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते 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 चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। दीदी इस एक हफ्ते में हमने पूरे इलाके में पूछताछ कर ली, एक भी ऐसा चश्मदीद नहीं जिसने उस चाकू मारने वाले को देखा हो। क्या आपको कुछ भी याद नहीं? नहीं, वो उसने अचानक से पीछे से चाकू से वार किया था। मैंने उसके उसका चेहरा देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। पता नहीं अचानक से कौन सा दुश्मन पैदा हो गया मेरा। मान लिया श्रीमती जी आपने नहीं देखा, लेकिन आधी रात को ऐसे आपके ऊपर किसी ने वार किया, तुम्हारे रोड पर कोई और भी तो होगा ना जिसने ये देखा हो, होगा या नहीं होगा, बोलो भाई हैं? चलो छोड़ो फिलहाल, लेकिन इस सब के पीछे जो भी है ना उसका तो पर्दाफाश करके रहूंगा मैं। उसने तो जो किया उसके चक्कर में हमारी पूरी फैमिली मुसीबत में आ गई है, मैं भी आ गया। चलिए खैर, आप ऊपर चल के आराम कीजिए। चलिए चलिए, बात करेंगे बातचीत। पूरे एक हफ्ते बाद घर आ रही हूं, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब देखिएगा ऋषि, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है, छोटा हो गया क्या?
पता नहीं कौन से कपड़ों में पानी में कपड़े धुल रहे हैं आजकल। कुर्ता छोटा नहीं हुआ, ये देखिए आप मेरा कुर्ता पहन रहे हो, चलिए उतारो इसे। आज मेरा कॉमिक हीरो हस्बैंड अचानक से एंग्री यंग मैन कैसे बन गया, क्या बात है? कोई बात नहीं है। अच्छा बैठिए यहां पर, मैं आपका चेहरा अच्छी तरह पढ़ सकती हूं। इतने खोए खोए से क्यों लग रहे? मुझे पता है कुछ तो बात है जो आपको अंदर अंदर खाई जा रही है। बोले क्या बात है? बोलो ना, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? अच्छा एक बात सच सच बताइए, मेरे ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए कहां से आए? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला ना, तो फिर आप आराम कीजिए ना, दिमाग को भी आराम दीजिए। अभी अभी श्रीमती जी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई, फिर आराम करना चाहिए ना आपको। चलिए मैं फालतू के सवाल नहीं कर रही। आपने इतनी बड़ी रकम जुटाई है, ये जानने का मुझे पूरा हक है, बीवी हूं आपकी। बताइए ना ऋषि, कहां से आए 10 लाख रुपए? नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है, मेरी बीवी कामिनी, मेरी माँ। बेटी हम आपकी अदालत में इंसाफ मांगने आए हैं, मेरी बहू ने मेरे बेटे को अपने से छीन लिया है, उसे अपने मायके में घर जमाई बना के रख लिया है। मैं क्या करूँ माँ, मेरी बीवी अपनी मायके छोड़ के जाना ही नहीं चाहती, और मैं अपनी बीवी को मायके में ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। माँ मैंने शादी की है, शादी के वक्त साथ निभाने के लिए कुछ वादे किए थे मैंने, उन वादों को निभाना मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए तेरा कोई कर्तव्य नहीं है, अपनी 1 साल की शादी में मेरे 30 साल की परवरिश भूल गया तू? लेकिन माँ जी मेरी भी अपनी मजबूरी है, कैसे छोड़ दूँ अपना मायका? मैं आज की वर्किंग लड़की हूँ, शादी से पहले मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाया है, मेरा परिवार मेरे कमाई पे निर्भर है, अगर मैं अपना मायका छोड़ के ससुराल आ गई तो कौन संभालेगा उन्हें? मेरी छोटी बहन की पढ़ाई रुक जाएगी, घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे, और मेरी माँ दवाई के बिना ही मर जाएगी। मेरा भाई कभी भी कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने इन्हें आपकी जिम्मेदारी उठाने से कभी नहीं रोका। इनफैक्ट मैंने आपको कितने बार कहा है कि आप भी हमारे साथ आके रह सकती है, पर आप है कि आना ही नहीं चाहती। वाह वाह वाह, नए जमाने की नई रीत सिखा रही हो तुम मुझे। एक बात कान खोल कर सुन लो बहू, जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है, और तुम मेरे बेटे को घर जमाई बनाकर अपने आप को सही साबित करना चाहती हो। और जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन जो लड़का अपनी बीवी के मायके में रहता है ना, वो कुत्ता ही कहलाता है। सदियों से समाज में ये रीत चली आ रही है कि लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है। अगर यही प्रथा है तो मैं ऐसी प्रथा को नहीं मानती जिससे घर परिवार बिखर जाए। और अपना मायका बचाने के लिए तू मेरे घर की कुर्बानी देगी? नहीं बहू, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। बेटी तुम ही इंसाफ करो। एक बात बोलूं आपसे आंटी जी, प्रथा तो ये भी है ना कि घर का बड़ा बेटा बाप के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है, am I right? लेकिन मान ली अगर घर का बड़ा बेटा निकम्मा हो या फिर घर में कोई बेटा ही ना, तो क्या एक बेटी अपने पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? बोलिए, या फिर वो अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे क्योंकि वो सिर्फ एक बेटी है? क्या वो अपनी आंखों के सामने अपने परिवार वालों को टूटकर बिखर जाने दे, शादी करके अपने मायके वालों को मरने के लिए छोड़ दे और ससुराल में जाकर बैठ जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि एक प्रथा है? आंटी जी आपको तो गर्व होना चाहिए अपनी बहू पर कि वो अपने मायके के साथ साथ अपने ससुराल वालों की भी सेवा करना चाहती है। बेहतर ये होगा कि आप अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहिए। दो घर चलाने से अच्छा कि एक घर चले, इससे आपका खर्चा भी कम होगा और बचत भी होगी। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ, तुम तो इसी का साथ दे रही हो, ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये क्या इंसाफ करेगी?
जिसकी शादी को 9 साल हो गए हों और फिर भी उसने कभी अपनी आंखों से अपने ससुराल का मुंह तक नहीं देखा।